हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एच एफ व्लॉग्स। और ये मेरा प्यारा सा देवर है। और सबसे पहले अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं, ठीक है। और मेरी बहनों ने मुझसे फरमाइश की थी कि आप अपना रूम टूर करवाएं, अपना होम टूर करवाएं, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अपनी इफ्तारी भी ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो आप लोगों को थंबनेल में नज़र आ चुका होगा, अपने प्यारे से ड्रेसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। और उससे पहले, अपना व्लॉग शुरू करने से पहले, मैं आप सबको रमज़ान मुबारक कहना चाहूँगी और आप सबको बहुत बहुत रमज़ान की मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआओं में रमज़ान में हमेशा शामिल रखिएगा, ठीक है। और ये मोहम्मद अहमद नाम है इसका, ठीक है। और ये मेरा क्यूट सा प्यारा सा देवर है। और अपने सारे फैमिली मेंबर्स से जो भी हैं वो मैं आपको आपसे शेयर करवाऊंगी, अपने हस्बैंड से भी मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। लेकिन ऐसा ऐसा व्लॉग्स मैं आप लोगों को मिलवाती रहूँगी। मैं ये रूम टूर तो मैं आपको ऐसा करवाऊँगी, अपना मेकअप भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी ऐसा ऐसा सारे ब्लॉग में। लेकिन इस टाइम जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरे खूबसूरत प्यारे से ड्रेसेस हैं, क्योंकि ईद भी आने वाली है। तो ईद में भी आने वाली है, तो ईद में आप लोगों को कोई थोड़ी सी कलेक्शंस के बारे में पता चल जाएगा, कुछ आप लोगों को आइडियाज़ हो जाएंगे कि इस तरह के भी ड्रेसेस होने चाहिए। तो मैं आपके साथ अपनी हर चीज़ शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले आप हमें सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर लाजमी करें। अच्छा, तो आप हमारे साथ मेरे कपड़ों को देखने के लिए, मेरे ड्रेसेस को देखने के लिए तैयार हैं? आप सब देख सकते हैं कि ये सारी कलेक्शन है मेरे पास कपड़ों की। तो मैं आपको वन बाय वन अपने सारे कपड़ों को शो करवाऊंगी कि इसमें कौन कौन से ड्रेसेस हैं और किस तरह के ड्रेसेस हैं। और आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि सबसे अच्छा ड्रेसेस, सबसे अच्छा कलर, सबसे अच्छा बेहतरीन ड्रेस आपको कौन सा लगा है, ठीक है। लाजमी आपने कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो मैंने अपने सारे ड्रेसेस जो हैं वो निकाल ली हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, सारे ड्रेसेस जो हैं वो मैं निकाल चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं आपको अपने सारे ड्रेसेस जो हैं वो शो करने लगी हूँ और बताने लगी हूँ कि वो ड्रेसेस के साथ क्या क्या है। तो चले देखते। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ शो करने वाली हूँ अपना ड्रेस, वो है ग्रीन कलर का जो है मैक्सी, ये देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत ही खूबसूरत मैक्सी और के साथ बहुत खूबसूरत दुपट्टा है जो पिंक कलर का है, ये देखें पिंक कलर का है नेट पर, पिंक कलर का इसके ऊपर काम हुआ हुआ है। उसके बाद मैं आपके साथ खूबसूरत ऑफ वाइट कलर का गरारा शेयर कर रही हूँ जिसपे पिंक कलर का काम हुआ हुआ है, तीनों पे फुल इसका काम हुआ हुआ है, ये देखिए। और इसके साथ जो गरारा है वो गोंडल कलर का है जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही हैवी है। ये सूट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैवी है, देख सकते हैं आप लोग। उसके साथ, उसके बाद जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है पिंक कलर का गरारा जो आप लोगों ने देखा होगा, जो मैंने मेहंदी पे पहना था। इसके ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत गोटे का काम हुआ हुआ है, येलो कलर का इसका गरारा है, ये देखें येलो कलर का इसका गरारा है और येलो ही कलर का इसका दुपट्टा है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ब्लू कलर का जो है वो सूट है और इस पर ब्लू कलर का ही काम हुआ हुआ है, ये देखिए ब्लू कलर का काम हुआ हुआ है और गोंडल कलर का काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। और इसके साथ जो दुपट्टा है वो है ब्लू कलर का और गोंडल कलर का इसका फ्लैपर है। उसके बाद जो मैं आपके साथ आपको शो करने लगी हूँ वो है ग्रे कलर का सूट, इसमें मेहरून कलर का काम हुआ है, काफ़ी हैवी है, ये देखें काफ़ी हैवी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सूट है ये। इसके साथ जो फ्लैपर है वो गोंडल कलर का है, ये देखिए। और इस पे जो है वो गोंडल कलर का इसका फ्लैपर है। उसके बाद मैं ब्राउन कलर का आपके साथ सूट शेयर करने लगी हूँ, इस पे भी बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ है, ये देखें। और इसका दुपट्टा भी ब्राउन कलर का है, गोल्डन कलर की इस पर लेस लगी हुई है। उसके बाद ये है, ये भी ग्रे कलर का सूट है, इसमें रेड कलर का जो है वो और सिल्वर कलर का जो है वो काम हुआ हुआ है, इसका ग्रे कलर का दुपट्टा है और सिल्वर कलर का इसके ऊपर काम। के बाद ये सी ग्रीन का कलर का सूट है, गोल्डन कलर का इसके ऊपर काम हुआ हुआ है और गोल्डन कलर का इसका पजामा है,
उसके बाद ये पिंक कलर का सूट है जो मैंने आपको ब्लू कलर का दिखाया था, बिल्कुल सेम है, बस कलर चेंज है। और इसका जो पजामा है और जो दुपट्टा है वो भी गोंडल कलर का है। उसके बाद है ये ब्लैक कलर का सूट, ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर ब्लैक का काम हुआ हुआ है। और ये है खूबसूरत सा कोट, देख सकते हैं आप लोग, सर्दियों में जो है वो बेस्ट कलेक्शन है इसकी। उसके बाद है ये पर्पल कलर का सूट, इसके ऊपर फुल काम हुआ हुआ है, देखें ये तंग पजामा है और बहुत ही खूबसूरत काम हुआ हुआ है इसके ऊपर, गोंडल और सिल्वर कलर का, और इसका दुपट्टा भी पर्पल कलर का है। के बाद जो मैं आपको दिखाने लगी वो है ब्राउन कलर का सूट, मेहरून कलर का, इसके ऊपर फ्लावर्स बने हुए हैं और इसका दुपट्टा भी नेट का है जो बहुत ही खूबसूरत है, और मेहरून कलर का ही इसका वेलवेट का फ्लैपर है। और जो ग्रे कलर का सूट दिखाया था मैंने आपको, मेहरून कलर का जिसके ऊपर काम हुआ हुआ था, ये है उसका ग्रे कलर का दुपट्टा और गोंडल कलर का इसके ऊपर काम हुआ हुआ है। उसके बाद है ग्रीन कलर का ये सूट जो मैंने पहना था वलीमे पे, आपने देखा होगा, इसके ऊपर सिल्वर और गोंडल कलर का काम हुआ हुआ है और इसका दुपट्टा ग्रीन कलर का। उसके बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ ग्रीन कलर का सूट, इसके ऊपर ब्लैक कलर का और लाइट ब्लू कलर का काम हुआ हुआ है, और इसके साथ फ्लैपर है और दुपट्टा है, दोनों ही ग्रीन कलर के। उसके बाद है ये नेट का सूट जो है गोंडल कलर का, बहुत ही खूबसूरत, इसके ऊपर काम हुआ हुआ है, ये फ्रॉक है और इसके साथ बेल बॉटम है, और इसका भी दुपट्टा जो है वो ऐसा है नेट का। उसके बाद रेड कलर का ये सूट और ग्रीन कलर का ये सूट है, रेड कलर का इसका खूबसूरत दुपट्टा है जिसमें ब्लैक कलर का और गोंडल कलर का काम हुआ हुआ है, और रेड कलर का ही इसका फ्लैपर है। उसके बाद ये मेहरून कलर का सूट है जिसके ऊपर जो है वो गोंडल कलर का और मल्टी शेड का काम हुआ हुआ है, वेलवेट का ये सूट है, ये भी बहुत खूबसूरत है, इसका पैच भी बहुत खूबसूरत है, ये देख सकते हैं आप लोग, और मेहरून कलर का ही इसका पजामा है। और उसके बाद ये खूबसूरत साड़ी शेयर करने लगी हूँ जो इंडियन साड़ी है, ब्लैक कलर का इसका ब्लाउज है, इसकी सीने जो हैं वो बनारसी हैं सिल्वर कलर की, वाइट और सिल्वर कलर की हैं, और साड़ी है गोंडल कलर की, इसके ऊपर फूलों का काम हुआ हुआ है, ये देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह की पूरी साड़ी है। और अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ गोंडल कलर का काम हुआ हुआ है इस पर, ब्लू कलर का ये सूट है, ब्लू कलर का ही इसका दुपट्टा है और पजामा भी इसका ब्लू कलर का है, और ये गौन टाइप बना हुआ है। तो मैं आपके साथ अपने सारे सूट जो हैं वो शेयर कर चुकी हूँ। आई होप सो कि आपको मेरे सारे सूट के जो कलेक्शंस हैं, ड्रेसेस हैं, वो बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ड्रेसेस कैसे लगे। और जाते जाते मैं आप लोगों को रमज़ान मुबारक कहती हूँ, और हमेशा नमाज़ों में और हर दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपने शूज़ की कलेक्शन, अपने मेकअप की कलेक्शन, अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन, हर चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और आपने कमेंट्स में बताना है कि आपका फेवरेट ड्रेस कौन सा है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, हमारे चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी फैमिली, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।